यूपी के मथुरा में दौरे पर आए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के महामहिम राज्यपाल राम नाईक ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय गो अनुसंधान केंद्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिभा का संयुक्त रूप से अनावरण किया। इस कार्यक्रम में जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल अपना भाषण दे रहे थे, वहीं मथुरा की सांसद हेमा मालिनी मंच पर सो रही थी। आप तस्वीरों में स्वयं देख सकते हैं कि किस प्रकार मथुरा की सांसद अनेक गणमान्य लोगों की मौजूदगी में सोती नजर आ रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मूर्ति अनावरण करने के बाद अपने संबोधन में कहा कि दीनदयाल जी भारत को भारत की दृष्टि से देखना चाहते थे। उनका मानना था कि यदि हम भारत को पश्चात दृष्टि से देखेंगे तो देश विकास नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हमारे धर्म स्थल सामाजिक सांस्कृतिक चेतना का आधार होना चाहिए। इसके बाद प्रदेश के राज्यपाल महामहिम राम नाईक ने अपने संबोधन में कहा कि दीनदयाल की मूर्ति का अनावरण करके बेहद खुशी हुई है। मूर्ति विचारों की अभिव्यक्ति होती है। उन्होंने कहा कि आज देश प्रदेश में मथुरा में बदलती तस्वीर नजर आएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 195 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण किया, 214 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास भी किया। पेश है मथुरा के संवाददाता अनुरुद्ध शर्मा की खास रिपोर्ट। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े उस व्यक्ति के बारे में भी भारतीय संचेतना को जागृत करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है। लखनऊ से पटना की यात्रा के समय मुगलसराय स्टेशन पर